अच्छा पाजी, हर एक की अपनी तरह की फैन फॉलोइंग होती है, जैसे आपके फैंस सारे क्रिकेट जो लवर हैं वो हैं। मनोज भाई, आपकी फैन फॉलोइंग किस तरह की, जब आपके आपके फैंस मिलते हैं तो किस तरीके के फैंस मिलते हैं आपको? एक किस्सा हुआ था, हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहे थे जी, तो उसमें एक बड़ा कमाल का एक्टर था, पंकज त्रिपाठी, वो भी बिहार का है। अच्छा, तो मैं नीचे बैठा हुआ था, तो वो आया, आप आ जाओ, आप मनोज वाजपेयी हो जी, अच्छा आप नीचे बैठो। अच्छा, मैं मनोज वाजपेयी। हाँ, वो आया, पीछे से आया ऐसे। अच्छा, और ऐसे करके बैठा हो, मनोज भाई एक बात बताएं। हाँ बता। आप पटना मौर्य में आके रुकते हैं ना? हाँ रुकते हैं। एक बार आए थे तो कोई सामान आपका वहाँ से गायब हो गया था। क्या? मैंने कहा कि हाँ, मेरा चप्पल एक बार जो है मिला नहीं मुझे। अच्छा, हम वहाँ काम करते थे। अच्छा, और चप्पलवा हम ही लेके चले गए थे। जानबूझ के लेके गए? हमको लगा कि गुरु जी आए हैं, कोई सामान इनका निशानी के तौर पे रख लें। अच्छा, और भी मैंने गैंगस्टर देखे हैं फिल्मों में, फिल्मी गैंगस्टर्स होते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी अंगूठियां, हैट वैट पहन के, ये गैंगस्टर भी ऐसे? अच्छा, वैसी वाली बंदूक है ऊपर से छलांग कूदने ऐसे जा रहे हैं, और इनको किसी को मारना, और पहलवान बहुत लंबा है, और हाथ में बर्फ वाला सुआ लेके जा रहे हैं, और भाई पहलवान तो कैसे? ऐसे मैंने कभी नहीं देखा, इतना मजा आया ना, पर कमाल है भाई, आपको सच्ची में सैल्यूट है। जान डाल देते भाजी। तो आप लोगों को, जिनको मनोज सर से कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं, बाकी ये बताएं ना बताएं इनके ऊपर है। तो कौन सबसे पहले कुछ पूछना चाहते हैं? जी हेलो कपिल। हेलो, मेरा नाम दीक्षा है, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपका एक मूवी है गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें आपने सरदार खान का रोल निभाया था, तो आपने सबको छेड़ा था उसमें, तो आज मैं चाहती हूँ मैं आपको छेड़ू। आपके अंदाज से छेड़ू मैं आज आपको, इफ यू डोंट माइंड। बड़ी क्यूट डिमांड है इनकी। आज छेड़ने छाड़ने का बड़ा काम चल रहा है। अब मैं कपड़े धो रहा हूँ तो हाँ। फिर यहाँ छेड़ो ना फिर। तो मैं आपके बाल। हाँ जी प्लीज, छेड़ एक्शन। एक्शन एक्शन ही छेड़ एक्शन। ये दातुन कर रही हो, ब्रश कर रही हो? न्यू बॉम्बे से? आप बहुत क्यूट हो, बहुत ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू। चलिए और कोई मेरे दोस्त जी। हेलो मनोज जी। जी नमस्कार। हेलो कपिल। हेलो मनोज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपका एक गाना था कुड़ी मुझे सपनों में मिलती है, तो वो सपनों तक ही रही या हकीकत में मिली आपको? अब तो मैं एक बच्ची का बाप हो गया। और मनोज जी, मुझे भी अक्सर ना सपनों में एक लड़का आया करता था जी? आपको देख के लगता है मुझे शायद वो ही था। इधर से आते हैं। तो आपको कैसे लगा कि यही यही वो लड़का था? मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आ रहा था कि मैंने कहा हाँ, ये जो सामने बैठे ये वही लड़का है जो मुझे सपनों में आता था। अभी इनकी तो शादी हो गई है। शादी होगी तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे मनोज जी? क्यों
जमाने के बंधन तोड़ दो। तो इसी बात पे थोड़ा सा डांस हो जाए। इसी बात पे मनोज मनोज वाजपेयी है। हाँ हाँ। कपूर शर्मा है, मनोज वाजपेयी है। हाँ। पता ही है मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। हाँ, ये मनोज वाजपेयी है, सिद्धू जी है, मनोज वाजपेयी है। वही है वही है। हमें यकीन नहीं हो रहा है, परम पिता परमात्मा आज हमारा जीवन सफल हो गया। अपनी नजरों से साक्षात आंखों के सामने मनोज वाजपेयी को देख लिया। बस और कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले आप चाहे तो हमें उठा ले। ऊपर वाला उठा के तो अपनी स्लिप डिस्क करवा ले। मनोज जी हम समा चाहते हैं, कहा है कि आपको अपने आंखों के सामने देख के थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। नहीं हो जाइए हो जाइए, आप हमारे ख्वाबों में आते हैं। इसमें आते हैं ख्वाबों में। आम आदमी का ख्वाब होता है इतना, इसका बड़ा होता है तो ख्वाब आबा में हो जाता है। देखिए देखिए मनोज जी, हम जानते हैं क्या सेल्फी का जमाना है, कि ये सेल्फी वाला फोटो जो होता है उसमें हम फिट नहीं आते, इसलिए आप वो पुराना वाला जो ऑटोग्राफ होता है ना, वही ऑटोग्राफ जरा हमें दे दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। ए लीजिए। पीठ पे दे दीजिए। पीठ पे बाल इतने पेन फंस जाएगा। पड़ोसी देश की तरह हमारे निजी मामलों में इस तरह घुसने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार माल कर रहे हैं आप जरा एक ऑटोग्राफ दे दीजिए बस। अरे तो इतना ही लोगे तो कैसे होगा, गुदगुदी होती है ना, क्या करे। अच्छा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, शरीर में ऐसा जन जनाहट। ठीक है बर्दाश्त करेंगे आप। हाँ एकदम टाइट कर लो बदन। टाइट करो, देखो ना, बस 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 हो गया। पता है इतना जोर बर्तन पे नाम लिखने में नहीं लगता जितना इसकी पीठ पे लिखने में लग रहा है। अरे हो गए बाबू हो गए। अच्छा अच्छा बस हो गया हो गया, अब हमारा बारी आ गया। चलो देखिए देखिए, अच्छा दिख रहा है, देखिए। हाँ बस हो गया, अच्छा हमारा बारी है अभी। हाँ आपको कहाँ लिखवाना? हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई एक बस रोमांटिक सीन हो जाए बस आपके साथ, और क्या है। टिंकू भाभी एक बात बताओ। हाँ बोल। अगर आपको मनोज जी के साथ सच्ची में फिल्म मिल गई, हाँ, तो क्या करेंगी आप? अरे हम तो खुशी के मारे कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे। आओ फिल्म तो हम वैसे 300 रुपया में भी कर लेंगे, भाई इतने बड़े एक्टर हैं, वो 10 लाख तो देंगे ही देंगे ना, पिक्चर का बजट ज्यादा होगा। देखिए देखो बजट होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा बजट बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भी सिटी केबल पे मेरे को टाइटैनिक फिल्म दिखानी, मेरे पास सीडी नहीं है उसकी। तो आपको अगर फिल्म करनी है तो भोजपुरी में टाइटैनिक मेरे सिटी केबल के लिए कर दो ना। ठीक है। बड़े नखरे तुम्हारे, जल्दी जल्दी सिटी केबल लेके आओ। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा सिटी केबल जो है फिल्म प्रोडक्शन में भी आ गया है। रेडी? लेकिन यार हमको क्या पिनाया है, क्या बना दिया? अरे आपको रोज बनना है। एक बार बनना है तो बोलो, रोज रोज नहीं बनेंगे। अरे हीरोइन का नाम है रोज। अच्छा हाँ। तो फिर एलिफेंटा केव का रोल मनोज जी करेंगे। हाँ। एलिफेंटा केव नहीं बेवकूफ, लिनार्डो डिकैप्रियो है वो। तो दोनों सेम टू सेम तो है। सेम टू सेम कैसे हुए? ये भी मुश्किल वो भी मुश्किल। तो लग रहे हैं। शुरू करते हैं, एक्शन बोलूंगा आपको वहां से चल के आना है, ठीक है? और भोजपुरी में बोलना है आप, फिल्म का नाम है टाइटैनिक वा। सिटी केबल पेश करते हैं पानी वाली फिल्म टाइटैनिक वा, एक्शन। अरे आ रही ले सपराई ले, जब हमारा शादी को 5 साल हो जाएगा, हमारा बच्चा होगा, आपको पापा पापा कहेगा। देखो बच्चा बड़ा भोला होता है, तुमको भी पापा पापा कह सकता है। कपूर शर्मा ये क्या है, तुमने तो हमें कहा था टाइटैनिक में बिठाओगे, ये क्या जो कश्ती चप्पू वाला कश्ती, 300 रुपया का टिकट बर्बाद कर दिया हमारा। अरे ऐसा बेचने के लिए बोलना पड़ता है। अच्छा वो शेविंग क्रीम का ऐड आता है तो उसमें लड़की आती है ना,
तो असल में क्या आके लड़की सेव करती है, मारेंगे। ज्यादा टोंट मारने की जरूरत नहीं है हर बार। ये बताओ कि हमारा रोमांस का कमरा किधर है? वो रोमांस का कमरा कोई नहीं, इधर सबका वो इधर ही करना पड़ेगा। अरे रोमांस के लिए कमरा की जरूरत नहीं है, जहाँ मूड हो वहाँ रोमांस हो जाता है। बताओ कि हमारा रोमांस का कमरा किधर है? वो रोमांस का कमरा कोई नहीं, इधर सबका वो इधर ही करना पड़ेगा। अरे रोमांस के लिए कमरा की जरूरत नहीं है, जहाँ मूड हो वहाँ रोमांस हो जाता है। ए नाच गाना बंद करो, ऐसे जहाज का बैलेंस बिगड़ रहा है, डूब जाएंगे कह रहे। तो तुम वहाँ जाके हमारे घर पे हमारे बच्चों को खाना खिलाओ। अभी तो मजा आ रहा था। बताओ कहाँ आ रहा है? हमका नहीं आ रहा है ना, अपना सारा किराने का दुकान हमारी तरफ करके यो कर रही है। मन में जो भी हमको देख के डायलॉग आ रहा है बोल दो। मुंबई का किंग कॉन्ग बिगू मात्रे। हमको पता था ऐसी रोज होगी तो आदमी का मर्डर करने का दिल करेगा करेगा। चलो ये वाला पोज हो गया, निकालो 2000 रुपया। 2000 क्यों आ रहे? हम तो एक्टिंग किया है, हम क्यों पैसा देंगे? या क्या बात हो? अरे क्यों, पहले से टिकट पे लिखा था, ये देखा नहीं आपने क्या? ये देखिए सारा लिखा है, पोज करने का 2000, फिशिंग करने का 5000, झूठ बोलने पे मौत, सच बोलने पे 10000, पानी चोरी करने के लिए 15000, पानी गंदा करने के लिए सजा, मूड पे डिपेंड, सारा तो लिखा है। ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, सच में कोई बात नहीं हुआ ये। चलो दूसरे जहाज पे चलते हैं हम लोग। दूसरा जहाज पे जाने की जरूरत नहीं है, जहाज इधर ही आ रहा है। अरे एक का कर रहे हैं जय किशन बा, आपका इतना कटीली बीवी है आपके पास, तो काहे चुड़ैल के साथ घूम रहे हैं? कभी सी टी ई ए, तुम लोग अपनी ए बी के चक्कर में हमें सी मत बनाओ। इधर काहे लड़ रहे हो? हमारा नाव को पलटी कर दोगे, पानी में जाकर लड़िए आप। पानी नहीं जा सकते, पानी तो ठंडा है, हमको ठंड लगेगा बहुत ज्यादा, हम उसमें नहीं लड़ेंगे। इतना ठंडा नहीं, जाओ। हाँ? हाँ। नहीं ठंडा होगा, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं जाके देखो। ए संतोष मेरी बहन, हमको बचा ले, हमको ठंडे पानी से डर लगता है, हमको तैरना नहीं आता, जरा खींच दो जरा। आप संतोष हमको तैरना नहीं आता, इस तरह तो डूब जाएंगे, हमसे नहीं होगा। संतोष क्या तरीका है? चलिए तू भी भाग गया, भाग। एक बार मिस्टर मनोज वाजपेयी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनोज भाई एक सेल्फी हम आपके साथ लेना चाहते हैं। जी जी आइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।